नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। एक प्रश्न जो लगभग हर आईटीआई स्टूडेंट के मन में होता है कि अप्रेंटिसशिप क्या होती है और हमें अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कहां और कैसे, तो इन सब प्रश्नों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप क्या होती है। अप्रेंटिसशिप किसी भी इंडस्ट्री में दिया जाने वाला प्रशिक्षण है, यानी कि अप्रेंटिसशिप एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो स्टूडेंट्स को सीधे कंपनीज यानी इंडस्ट्रीज में दिया जाता है। इस ट्रेनिंग का एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है एवं पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बाद एक एग्जाम भी होता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूर्ण करने के बाद जो परीक्षा या एग्जाम होता है उसे सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद ट्रेनीज को नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक तरह से ड्यूअल सिस्टम ट्रेनिंग होती है। ड्यूअल सिस्टम ट्रेनिंग का अर्थ है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दो चरणों में पूर्ण होती है, यानी कि इसके दो मुख्य अंग होते हैं, पहला बेसिक ट्रेनिंग और दूसरा ऑन जॉब ट्रेनिंग। पूरी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का 20-25% भाग बेसिक ट्रेनिंग का होता है। बेसिक ट्रेनिंग में ट्रेनिंग को उसकी ट्रेड से संबंधित थ्योरी और प्रैक्टिकल का नॉलेज दिया जाता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सबसे बड़ा भाग यानी मुख्य भाग ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग का अर्थ है जॉब करते हुए यानी कार्य करते हुए सीखना। इस ट्रेनिंग में ट्रेनीज इंडस्ट्रीज में वास्तविक कार्य करते हुए सीखते हैं। तो अगर संक्षेप में बात की जाए तो अप्रेंटिसशिप एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें ट्रेनीज इंडस्ट्री में जाकर और वास्तविक कार्य करते हुए ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और कार्य को सीखते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या हमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो मेरे अनुसार इसका जवाब है हाँ। देखिए, आईटीआई करते हुए आपको अपनी ट्रेड से संबंधित बेसिक ट्रेनिंग तो मिल जाती है, लेकिन ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको तब मिलती है जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान आप अपनी ट्रेड से संबंधित कार्यों को जान पाते हैं एवं उन्हें सीख भी पाते हैं, यानी कि आप एक स्किल्ड वर्कर बनते हैं। और चूंकि यह ऑन जॉब ट्रेनिंग है, इसलिए अप्रेंटिसशिप करते समय सैलरी के रूप में आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग यानी कि अप्रेंटिसशिप वास्तविकता में जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि यह ऑन जॉब ट्रेनिंग है इसलिए ट्रेनीज को अपने गुजारे भत्ते के रूप में स्टाइपेंड दिया जाता है। आईटीआई पास आउट के लिए अप्रेंटिसशिप करते समय दिया जाने वाला स्टाइपेंड कम से कम 7,000 रुपए होता है। कंपनीज अपने अनुसार इससे अधिक स्टाइपेंड भी प्रदान कर सकती हैं। आईटीआई पास आउट्स को अप्रेंटिसशिप जरूर करनी चाहिए। इसका एक और कारण है कि जॉब के समय मिलने वाला प्रेफरेंस। आपने जिस कंपनी से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है, अगर आप उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वह कंपनी आपको जॉब के समय प्रेफरेंस प्रदान करती है। ये देखिए, यह इंडियन रेलवे का अप्रेंटिसशिप का एडवर्टाइजमेंट है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे एप्लीकेंट जो इंडियन रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं एवं जिन्हें नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, उन्हें रेलवे में सीधी भर्ती के दौरान 20% सीटों पर प्रेफरेंस प्रदान किया जाएगा। तो बात बिल्कुल साफ है कि अप्रेंटिसशिप करते समय आपको वास्तविक कार्य सीखने को मिलता है, आपको स्टाइपेंड के रूप में कुछ राशि भी प्राप्त होती है एवं आपको जॉब के समय प्रेफरेंस भी प्राप्त होता है। तो आपको अप्रेंटिसशिप जरूर करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि अप्रेंटिसशिप करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? पहले बात करते हैं एज लिमिट की। वैसे तो अप्रेंटिसशिप करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए एवं इसमें अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, परंतु विभिन्न कंपनियां अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन करती हैं। जैसे कि इंडियन रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए एवं इसके लिए अधिकतम आयु 24 वर्ष है। दूसरी रिक्वायरमेंट कि आवेदक को 10+2 स्कीम के साथ 10वीं उत्तीर्ण या फिर इसके समकक्ष कोई कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही किसी भी ट्रेड से आईटीआई पास भी होना चाहिए। वैसे आईटीआई के अलावा अन्य फील्ड के स्टूडेंट्स भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस वीडियो का फोकस केवल आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए ही है। अब यहां पर एक प्रश्न या डाउट यह भी उठता है कि क्या ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास SCVT सर्टिफिकेट है वो अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते? तो यह जानकारी बिल्कुल गलत है। देखिए, आईटीआई उत्तीर्ण करने के बाद मुख्य रूप से दो प्रकार के सर्टिफिकेट मिलते हैं, NCVT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एवं SCVT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग।
ये दो प्रकार के आप बोर्ड मान लीजिए, एक नेशनल बोर्ड और दूसरा स्टेट बोर्ड। ये दोनों ही सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त होते हैं एवं आपने चाहे एससीबीटी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो या एनसीबीटी, आप अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला प्रश्न यह उठता है कि अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करते समय एप्लीकेंट के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हम डॉक्यूमेंट पर जाएं, इसके पहले आप जान लीजिए कि आपको अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करते समय सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक वैलिड ईमेल आईडी, और यह ईमेल आईडी आपकी स्वयं की होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी नहीं है तो आप आज ही एक ईमेल आईडी बना लीजिए। कंपनियों के द्वारा आपको आपकी ईमेल आईडी पर ही ऑफर लेटर भेजे जाते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास वैलिड एवं चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी एवं रजिस्ट्रेशन नंबर इत्यादि आपके मोबाइल नंबर पर ही भेजे जाते हैं, तो आप उन मैसेजेस को संभाल कर जरूर रखें। तीसरी रिक्वायरमेंट है आपका आधार नंबर। कई बार कंपनियों के द्वारा आधार वेरिफिकेशन भी किया जाता है, इसके लिए आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए एवं मोबाइल नंबर से भी लिंक होना चाहिए। तो अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक नहीं है या आपका आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आज ही जाकर लिंक करवा लीजिए। अगली रिक्वायरमेंट है पैन कार्ड। वैसे तो पैन कार्ड की जरूरत आपको इमीडिएटली नहीं है, लेकिन फिर भी पैन कार्ड आपके आगे की प्रोसेस के लिए जरूरी होगा, तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो जल्दी से पैन कार्ड भी बनवा लें। पांचवी रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन। जी हाँ, अगर आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन है तो आपको कई प्रकार के जॉब और अप्रेंटिसशिप के ऑफर मिलते हैं। साथ ही कभी कभी इस पंजीयन की आवश्यकता कई प्रकार के फॉर्म भरने में भी होती है, तो आपका अगर रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं है तो आप पंजीयन जरूर करवा लें। अब बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करते समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए 10वीं की मार्कशीट। दूसरा, आपकी जन्मतिथि प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में आप या तो 10वीं की मार्कशीट प्रस्तुत कर सकते हैं या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट है आईटीआई की मार्कशीट। आवेदन करते समय आपके पास आईटीआई की मार्कशीट होना चाहिए। चौथी रिक्वायरमेंट है आईटीआई का प्रमाण पत्र, जो कि आपको एनसीबीटी या एससीबीटी के द्वारा प्राप्त होता है। इसके अलावा आप जिस श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं उसके अनुसार आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इत्यादि भी होना चाहिए। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि अप्रेंटिसशिप के लिए चयन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आपको आईटीआई पास करना है, आपके पास आईटीआई की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आ जाएं, उसके बाद आपको बताए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और आपको इंटरनेट पर ओपन करना है एक वेबसाइट जिसका नाम है apprenticeshipindia.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको कैंडिडेट के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिससे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से आप सीधे इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। यह भारत सरकार की अप्रेंटिसशिप वेबसाइट है। किसी भी कंपनी से अप्रेंटिसशिप करने के लिए कैंडिडेट को इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होता है। इस पोर्टल की लिंक एवं इस पोर्टल को कैसे यूज करना है उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत अप्रेंटिसशिप में चयन की मुख्यतः तीन प्रक्रियाएं होती हैं। पहली प्रक्रिया में जब कैंडिडेट इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करता है तो कैंडिडेट की जानकारी कंपनियों तक पहुंच जाती है। कंपनियां अपनी आवश्यकता के अनुसार कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप के लिए अप्रोच करती हैं और उन्हें ऑफर प्रदान करती हैं। कैंडिडेट चाहे तो उन ऑफर को स्वीकार करके उन कंपनियों में अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इसके लिए आपको नियमित रूप से अपनी ईमेल आईडी अवश्य चेक करते रहना चाहिए। दूसरी प्रक्रिया में अप्रेंटिसशिप करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट इस पोर्टल के माध्यम से आप वैकेंसीज को सर्च कर सकते हैं। जिन कंपनियों में अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी है तो कैंडिडेट उन कंपनियों में सीधे आवेदन कर सकते हैं। अगर कंपनियां उनका चयन करती हैं तो फिर कैंडिडेट वहां जाकर अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अगली प्रक्रिया में कंपनियां या इंडस्ट्रीज अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अप्रेंटिसशिप चयन के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी करती हैं। कैंडिडेट को इन कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर और अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आवेदन करना होता है। कंपनियां प्राप्त आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची जारी करती हैं और उन मेरिट सूची के आधार पर कैंडिडेट का चयन अप्रेंटिसशिप के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से ये मेरिट सूची आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर जारी की जाती है, परंतु कुछ कंपनियां 10वीं के अंक और आईटीआई में प्राप्त अंकों को मिलाकर भी मेरिट सूची जारी करती हैं। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप चयन की एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, वो है कैंपस सिलेक्शन। विभिन्न कंपनियां
आईटीआई में अप्रेंटिसशिप के लिए कैंपस आयोजित करती हैं। कंपनियां अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आईटीआई में उपस्थित होती हैं, जहां पर कैंडिडेट सीधे कैंपस में उपस्थित हो सकते हैं। यहां पर रिटेन या इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट का चयन किया जाता है और चयनित कैंडिडेट उन कंपनियों में जाकर सीधे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी रोजगार कार्यालय के माध्यम से भी आपको अप्रेंटिसशिप के ऑफर प्राप्त होते हैं। कंपनियां रोजगार कार्यालय से संपर्क करती हैं कि उन्हें कितने कैंडिडेट्स की आवश्यकता है अप्रेंटिसशिप के लिए। ये रोजगार कार्यालय आईटीआई से संपर्क स्थापित करते हैं एवं कैंडिडेट्स का चयन करते हैं। इस वीडियो में अप्रेंटिसशिप से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है तो आप हमें इस वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिले की नजदीकी शासकीय आईटीआई में जाकर और अप्रेंटिसशिप एडवाइजर से मिलकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और हमारे ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।